वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स व्यूअर्स, आज मैं आपको 30x40 वेस्ट फेस घर का वॉक थ्रू दिखाऊंगा। और ये जो जो टोटल प्लॉट एरिया 1200 स्क्वायर फीट अप्रोक्सीमेट जो कंस्ट्रक्शन रहेगा इनर टू इनर 800 टू 1000 स्क्वायर फीट के इन बिटवीन, बिकॉज अगर आप ऑफसेट एरिया निकालने के बाद उतना कंस्ट्रक्शन एरिया रहेगा। सो बट बिल्टअप एरिया या फिर स्लैब एरिया कंसिडर किया तो एग्जैक्ट 1200 स्क्वायर फीट और 9 × 12 इज इक्वल टू जो स्क्वायर फीट आता है ना, मीटर, स्क्वायर मीटर रहेगा, अप्रोक्सीमेट 108 स्क्वायर मीटर। एंड ये जो घर का अंडर द गाइडेंस ऑफ इंजीनियर निटूरे सर फ्रॉम कर्नाटका बीदर, उनके गाइडेंस के अंदर जो है वर्क किया गया, बहुत ही खूबसूरत एंड नीट वर्क। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फिनिशिंग। मैं ऑलवेज आपको सजेस्ट करूँगा, जब भी आप घर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सिर्फ प्लान इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्लान तो एक जस्ट 1% है। ओके, सब कुछ चलता है प्लान के हिसाब से, बट जो है ना एग्जीक्यूट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो जैसे इमेजिन करते हैं उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करना मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग रहेगा आपके लाइफ में। ओके दोस्तों, बिकॉज हर कोई प्लान देना आसान रहेगा, बट जो एग्जीक्यूट करने का रहता है ना वो मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग रहेगा आपके लाइफ का। एटलीस्ट 1 to 1.5 years तक टाइम चाहिए कौन सा भी एक नया घर कंस्ट्रक्ट करना है तो। सो इंजीनियर निटूरे सर के द्वारा जो है ये वर्क किया गया था। एंड फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन देखिए, काफ़ी सिंपल नहीं, एक अट्रैक्टिव है, डिसेंट लुक है, और कम जो ओनर का बजट के अनुसार दिया गया, अट्रैक्टिव, खूबसूरत है, कलर कॉम्बिनेशन भी वेरी डिसेंट, टेक्सचर वर्क एंड प्लास्टिंग में ग्रूज एक वाइट। सो इसके अंदर टोटल 4 कलर्स इस्तेमाल किया गया है, एक जो है वाइट लाइट ग्रीन और एक येलो टाइप। ओके, मैं आपको इसका वॉक थ्रू दिखाऊंगा, लेट्स सी। ग्राउंड फ्लोर 2 BHK पोर्शन, ये रैंप, इसके बाद नेक्स्ट जो है लाइटिंग वर्क, अंडरग्राउंड लाइट सिस्टम, ये जो है ना दोस्तों टाइल्स के अंदर छुप जाएगा, सो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। सेपरेट टैंक, स्टेयरकेस, कॉमन टॉयलेट एंड बाथ। वास्तु के अनुसार क्लॉकवाइज आता है, सो एग्जैक्ट वास्तु के अनुसार ही लिया गया। फिर उसके बाद ये जो है 1 BHK पोर्शन, सॉरी 2 BHK पोर्शन, ग्राउंड फ्लोर आप देखना चाहते तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उसको आप क्लिक करिएगा। यहाँ से आप चलते हैं फर्स्ट फ्लोर। अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 40 to 45, डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। ये आ गया आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, ये मेन एंट्रेंस इनटू द हाउस। हॉल, इसके अंदर 2 विंडो लिया गया, सो हॉल साइज 12x18 फीट। सामने एक बेडरूम, फॉल सीलिंग डिजाइन, और विंडोज के ऊपर 2 वेंटिलेटर। वहाँ पे जो है जस्ट हैंड वॉश, डाइनिंग एरिया,
एक मास्टर बेडरूम, इधर एक बेडरूम आ जाएगा किचन एंड पूजा रूम। ये फॉल सीलिंग डिज़ाइन, फुल व्यू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट किचन में। ये पूजा रूम, पूजा रूम विथ स्टोरेज एंड देन किचन। यहाँ पर देखिए लिंटल, उसके ऊपर जो है फर्नीचर वर्क सिर्फ बॉर्डर लगा के बनाया जा सकता है, तो उसमें आपका ज़्यादा प्लाईवुड का खर्च भी नहीं हो जाएगा मटेरियल का। ये जो है ना दोस्तों, ग्रेनाइट यूज़ किया गया इसका सपोर्टिंग के लिए, एंड इसके बाद आप फर्नीचर लगाते हैं वहाँ पर जस्ट आउटर को जो है कवरिंग करने के लिए। ठीक है, ये था यहाँ पर स्टोरेज एंड यह जगह यूटिलिटी पर्पस। सो किचन से बाहर आने के बाद नेक्स्ट ए रहेगा आपका बेडरूम, चिल्ड्रन बेडरूम विथ अटैच टॉयलेट एंड बाथ। साइज ऑफ दिस रूम इज अप्रोक्सीमेट 9x12 feet। फुल्ली फर्नीचर वर्क एंड सीलिंग डिजाइन बनाते समय फर्नीचर कहाँ पे आता है वो से ध्यान रख लीजिएगा आप, उसके हिसाब से आप सीलिंग बनाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं मास्टर बेडरूम।